तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको टाइप बताया, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग एक मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोइकोमेट्रिक के अंदर मैंने क्या बताया, जितने नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द यूनिट्स, यू कैन से द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल That are equal, okay? वो equal रहेंगे जितने भी होंगे। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो हमारा रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसका सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बता दे, डेफिनेशन के क्या होगा हम लोग क्या करें ना फ्रेंड, इनमें एक चीज देखा जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद जो पार्टिकल इन्वॉल्व रहते हैं वो, उसकी जो डेंसिटी रहती है उसके ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे, और एक हमारा रहेगा इसके अंदर एग्जाम्पल रहेगा, और हम लोग उसके अंदर कुछ फॉर्मेशन की जो अगर मेथड रहेगा, कुछ फॉर्मेशन फॉर्मेट होने के लिए जो क्या कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस उसमें जो हमें पता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट के इसका अंदर क्या होगा कि रेगुलर, देखो मिसिंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ लैटिस, ओके फ्रॉम अ लैटिस इज कॉल्ड इज द वैकेंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा लैटिस है, ठीक है, ये लैटिस के अंदर जितने भी यूनिट पार्टिकल, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये पार्टिकल जब मिस हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंट डिफेक्ट। तो अगर ये मेरा सॉलिड है, यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज है, ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैकेंट डिफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया कि जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल रहेंगे वो नहीं अवेलेबल रहेंगे, वैकेंट स्पेस रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंट डिफेक्ट। जो भी रहेगा इसके अंदर सबसे पहले तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, नॉन आयनिक पार्टिकल्स रहेंगे, ओके। अभी मुझे बताओ, अगर किसी भी चीज के अंदर से, अगर कोई भी चीज के अंदर से अगर कुछ वैकेंट स्पेस वॉइड प्रेजेंट है, खाली जगह रहेगा, तो उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप AgR ले लो, NaCl AgR ले सकते हो, AgR एक एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएगा, जहां पे क्या होता है ना, यहां पे समझो आपको ठीक है, हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं NaBr। तो अभी यहां पे ओके, सो देखो यहां पे एक स्पेस खाली रह गया है, यहां पे Na, यहां पे Br, फिर Na, फिर Br। अभी यहां पे इलेक्ट्रिकली बैलेंस होने के लिए क्या होता है ना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आके सेट हो जाता है, ताकि वो यहां पे जितना भी इलेक्ट्रिकली ये जो मेटल हमारा जो रहेगा, ये जो सब्सटेंस रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आके सेट हो जाएगा, सो दैट ये जो है कंपाउंड पूरी तरह हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेगा, और इसके साथ साथ ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड की हमारी डेंसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें नॉन आयनिक पार्टिकल क्या है, एक गायब है। सो ये हमारा हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड हम लोग देखेंगे इंटरस्टीशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो डिफेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमारा जो भी डिफेक्ट वैकेंट डिफेक्ट हमने जो देखा उसके अंदर, उसके जैसा ही इंटरस्टीशियल डिफेक्ट है। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है ना, एक तो क्या होगा कि जो भी ये जैसे हमारा रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, सो इस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा ना, एक तो क्या होगा कि यह हमारा गायब हो जाएगा, ओके, और यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक टाइप का इंटरफिशियल डिफेक्ट हो गया, ओके। सो दूसरा जो हमारा डिफेक्ट रहेगा उसमें क्या होगा कि ये जो एटम है ना, ये यहां पर भी रहेगा और एक यहां पर भी आ जाएगा,
तो ये सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है ना, एक एक जो यूनिट जो भी पार्टिकल है उसमें उस यूनिट का, वो क्या हो रहा है ना, अपनी जगह खुद चेंज कर रहा है या फिर वहां से कहीं चला जा रहा है, तो या फिर कोई एक्स्ट्रा आके हो यहां पे बीच में बैठ गया है, तो ये जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ये जो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट है ना, ये वाली स्पेस को इंटरस्टीशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कौन से पार्टिकल्स रहेंगे इसमें, नॉन आयनिक पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, नॉन आयनिक पार्टिकल है। अभी अगर यहां पे वैकेंट स्पेस आ रहा है, वैकेंट स्पेस तो आ ही रहा है, तो वैकेंट स्पेस अगर आएगा तो जनरली क्या होगा, एक तो देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी दूसरी जगह का पार्टिकल आके बैठने वाला है, यहां का वो पार्टिकल था वो यहां पे आके मूव हो गया, तो उसकी जो है ना डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज तो नहीं हो सकती क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, डिक्रीज भी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई गायब नहीं हुआ, यहां से गायब हुआ लेकिन यहां पे आ गया, तो है तो उसी जगह पे, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिमेन सेम, डेंसिटी विल रिमेन सेम, डेंसिटी चेंज नहीं होती इसमें, कोई भी डेंसिटी के अंदर चेंजेस नहीं आते। तो ये दो डिफेक्ट आपको समझ में आ गया, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या, कोई भी स्पेस वैकेंट हो जाता है, यूनिट जो हमारा यूनिट सेल है उसमें से एक पार्टिकल रिमूव हो जाएगा पूरी तरीके से और वो जगह खाली हो जाएगी, उसको बोल देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि मूवमेंट होगा, कोई भी पार्टिकल जो होगा यूनिट सेल का वो अपनी जगह चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, बट जाएगा नहीं वहां वहां से, मतलब उसको जगह नहीं छोड़ने वाला है वो, तो वो वाली जो जगह एक तरफ स्पेस खाली रहेगा दूसरी जगह वो भर देगा, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, जस्ट मूवमेंट होगी पार्टिकल की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट और जस्ट ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, क्या क्या हम लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी अभी हम लोग इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखने वाले हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट इसके अंदर हम क्या देखते हैं ना फ्रेंड, इसके अंदर सबसे पहले तो ये इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आयोनिक पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, ये आयोनिक पार्टिकल्स के बारे में। तो आयोनिक पार्टिकल्स हमारे कौन से हो गए, कैटायंस एंड अनायन, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा ना वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कटायन अनायन, तो ये हमारा इस तरीके से जो मेटल रहेगा, जो भी हमारा सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर कटायन और अनायन का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये शॉटकी डिफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ अनायन और कटायन रिमूव हो जाते हैं वो इक्वल नंबर में रिमूव होंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे शॉटकी डिफेक्ट। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो, व्हेन द इक्वल नंबर ऑफ अनायन और कटायंस फ्रॉम अ क्रिस्टल रिमूव्स, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉटकी डिफेक्ट। ओके, सो अभी ये यहां पे क्या होगा, देखो मैं सबसे पहले बता दूं, यहां पे ना इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि कटायन और अनायन जो है दोनों के दोनों इक्वल नंबर में बाहर गए हैं, ठीक है ना, जितने अनायन गए हैं उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज गया, उतना पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है। तो ये पहले तो ये एक जो इलेक्ट्रिकली गया है न्यूट्रल है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। तो यहां पे एक तो ये चेंजेस हो गया, दूसरा क्या है कि इसके अंदर जितने भी आयनिक, इसका जो ये है हमारा अभी देखो दो वैकेंट स्पेस बैठ गए इसमें, तो हमारी डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ तो नहीं है क्या, डिक्रीज हो जाएगा डेंसिटी, तो हमारा डेंसिटी यहां पे डिक्रीज हो गया कटायन और अनायन को निकलने की वजह से। अभी हम लोग के अंदर इसके अंदर जो कंडीशंस रहेगी वो क्या क्या रहेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी कि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स,
ये क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए या और सीचोमेट्रिक डिफेक्ट आने के लिए सबसे पहले तो हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे उसमें, हाई डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। सेकेंड थिंग क्या रहेगी कि जितने भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट कंसीडर करो ये मेरा प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जितना बड़ा कटायन रहेगा उतना उसको एनायन चार्ज कर आएंगे, राइट। अगर आयनिक है तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और उतना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर हाई मिलेगा। थर्ड थिंग क्या रहेगी कि जो रेशियो रहेगा उन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेगा, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसके अंदर क्या होता है ना, जब भी कोई भी अगर हम बोलते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है उसमें से कोई एटम निकाल रहा है आयनिक के अंदर, तो यहां पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन जाके उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और अगर थ्योरेटिकली कहा जाता है कि जितने जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वही उस क्रिस्टल को उसका कलर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं वैकेंट स्पेस को, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रली होता है। ओके, तो ये था हमारा शॉटकी डिफेक्ट आ गया है। अभी हम उसके आगे पढ़ेंगे हमारा फ्रैंकलिन डिफेक्ट। नेक्स्ट इज आर फ्रैंकलिन डिफेक्ट। फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अंदर हम लोग क्या होता है ना, सबसे पहले तो एक यूनिट जो भी हमारा सब्सटेंस रहता है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो छोटा रहता है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आयन आयन जो हमारे होते हैं उनमें नेगेटिव वाला आयन जो रहते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और उसमें कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव आयन जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं। तो पॉजिटिव आयन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव आयन जो है हमारे लार्ज साइज के हैं। ये यूजुअल कंडीशन है जो इसमें देखी जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता है और यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो इंटरस्टीशियल मूवमेंट जो होती है पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे देखी जाती है। तो मैक्सिमम क्या होता है ना, जब भी कोई व्हेन एन पॉजिटिव व्हेन एन कटायन अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई, और यू कैन से अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई और ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल स्पेस, देन इट विल बी अ फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो उसको हम लोग फ्रैंकलिन डिफेक्ट बोलेंगे। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में क्या हो रहा है ना, जो एटम्स है जो भी पॉजिटिव एटम है वो क्या कर रहा है, अपना स्पेस जो है वो चेंज कर रहा है, यहां से यहां मूव हो जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वैकेंट स्पेस तो क्रिएट हो रहा है बट वो दूसरी जगह पे एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो वहां पर ले रहा है। तो यहां पे उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी जो है हमारी वही रिमेन रहेगी। इलेक्ट्रिकली ये कैसा है, न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो सबसे पहले जो ये वाली जो चीजें हैं, यहां पे हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितना एटम के अंदर पार्टिकल्स थे उतने के, जितने इस यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उतने सारे पार्टिकल अभी भी है। जस्ट क्या हुआ है ना, स्पेस चेंज हुआ है, ये जो इंटरस्टीशियल जो स्पेस था वो उसने ले लिया है। तो उसको हम लोग फ्रैंकलिन डिफेक्ट बोलेंगे। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पार्टिकल कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, आयनिक रहेंगे, प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा। दूसरा, इसके अंदर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, डेफिनेटली ना तो इसमें डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, वो न्यूट्रल ही रहेगी, इक्वली रहेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में हम लोगों ने चारों डिफेक्ट, जो चारों सब डिफेक्ट थे नॉन जो हमारे सिचियोमेट्रिक है वो हम लोग ने देख लिए। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे नॉन सिचियोमेट्रिक डिफेक्ट।